अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों, आज हम MI A1 का बैटरी ड्रेन टेस्ट करने जा रहे हैं। अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि बैटरी कितना बैकअप देता है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। दिखा देते हैं आपको अभी टाइम कितना हुआ है। देखिए, टाइम 12:46 हुए हैं और हम लोग अभी से चलाना स्टार्ट कर रहे हैं फ़ोन। तो सबसे पहले हम इस फ़ोन में जो है एक मूवी देखते हैं। दो घंटे का एक मूवी देखते हैं और देखते हैं कि कितना ख़त्म होता है चार्ज। सबसे पहले आप देख लीजिए, चार्ज 100% है फ़ोन। ब्राइटनेस देख लीजिए, ब्राइटनेस मैं हाफ कर देता हूँ। तो फोन को चलाते हुए दोस्तों लगभग दो घंटे इस फोन में हम लोगों ने अब तक मूवी देखी है और इसके अलावा कुछ फोटोज भी लिए हैं। तो देखते हैं अब फोन में चार्ज कितना परसेंट बचा हुआ है। तो अभी 3:11 हो रहे हैं और आपको दिखा देते हैं कि फ़ोन में चार्ज अभी कितना परसेंट है। तो आप देख सकते हैं फ़ोन में चार्ज 70% बचा हुआ है और ब्राइटनेस मेरी देख लीजिए आप, ब्राइटनेस भी उतनी है। तो दोस्तों, अब तक हमने लगभग 1 घंटे भर की गेमिंग की है। थोड़ा बहुत उससे कम ज़्यादा हो सकता है, लगभग गेमिंग की है 1 घंटे, तो वो नॉर्मल गेमिंग थी, कुछ हैवी गेम नहीं था। तो अब देखते हैं हमारा बैटरी परसेंटेज कितना बचा हुआ है। तो आपको दिखा देते हैं, टाइम देखिए 4:16 हो रहे हैं और आपको बैटरी परसेंटेज भी दिखा देते हैं। और एक बात आपको बता देते हैं कि हमारा वाईफाई जो है कनेक्टेड है। तो आप देख लीजिए बैटरी परसेंटेज, तो देखिए यहाँ पे 55% अभी तक बैटरी। हम लोगों ने काफ़ी देर तक वीडियो देखा, लगभग 1.5-2 घंटे
2 घंटे तो नहीं होंगे, लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हम लोगों ने यूट्यूब में वीडियो देखा है वाईफाई पे, और अब देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि अब कितना परसेंट चार्ज बचा हुआ है। तो देखिए अभी 6:10 हो रहे हैं और कंटिन्यू उस वक्त से हम लोग वीडियो देख रहे थे, और अभी भी आपको दिखा देते हैं कि चार्ज जो है हमारा 28% है बचा हुआ अभी भी। अब देख लीजिए चार्ज अभी 20% है। और थोड़ा आपको एक बात बता देते हैं कि थोड़ा वीडियो देखते हुए लगभग हम लोगों ने आधे घंटे ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया था, वीडियो देखने में अच्छा नहीं, मतलब वीडियो थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देने से वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगती है इसी वजह से। तो फिर ब्राइटनेस को नॉर्मल कर देते हैं और अभी दिखाते हैं आपको। देखिए अभी 27% चार्ज बचा हुआ है। हम लोगों ने म्यूजिक नहीं सुना है, दोस्तों फाइनली हम पूरा दिन फोन यूज करने के बाद अपने आ गए हैं। बैटरी हमारा जो है काफी लो हो चुका है, और आप आपको दिखा देते हैं कि हमारा बैटरी परसेंटेज कितना बचा हुआ है और अभी टाइम कितना हो रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइम कितना हुआ है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो फोन में 7:48 हुए हैं, और देखिए बैटरी परसेंटेज यहाँ पे 4% दिखा रहा है। तो आपको बता देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या यूज किया फ़ोन में। सबसे पहले हम लोगों ने वीडियो देखी, एक मूवी देखी लगभग 2 घंटे की, और उसके बाद हम लोगों ने गेमिंग की लगभग 1.5 घंटे। उसके अलावा हम लोगों ने YouTube पे वीडियो देखे लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा मैंने वीडियो देखा। उसके अलावा मैंने गाने सुने, फिर हम लोगों ने वीडियो देखा, और जैसे कि एक नॉर्मल यूजर यूज करता है दोस्तों वैसे ही मैंने भी यूज किया। और अब दिखा देते हैं कि इस फ़ोन में स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिला है हम लोग को अब तक। तो सबसे पहले सेटिंग में जाते हैं और बैटरी में जाते हैं, और आपको दिखाते हैं कि स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिला है। तो बैटरी देखिए 3% हो गई है अब। तो आप अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे बैटरी 3% है, और देखिए हम लोग को 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। तो इस फ़ोन में हम लोग को लगभग 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, और बैटरी परसेंटेज आप अगर देखेंगे स्क्रीन ब्राइटनेस अगर आप देखेंगे तो अभी भी स्क्रीन ब्राइटनेस उतनी ही है। बीच में हम लोगों ने थोड़ा आधा घंटा जो वीडियो देखा था तो उसमें हम लोगों ने लगभग बैटरी परसेंटेज को ब्राइटनेस को हम लोगों ने फुल कर दिया था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को एक आइडिया हो गया होगा कि इस फ़ोन में आपको कितनी बैटरी बैकअप मिल सकती है। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव हो हमारे लिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।